अपने बैंक अकाउंट में अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आपका चाहते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है यू प्रो मॉल, बट इसमें कंडीशन समझ लीजिए कि आपको यू प्रो मॉल वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, बाय करने के बाद उसके बाद उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना है। सिंपल से अभी आपको वेट करना है थोड़ी देर, जैसे आपको वहाँ पर डिस्पैच लिख के आ जाए कि आपका जो प्रोडक्ट वो डिस्पैच हो चुका है, उसके बाद ही आप वहाँ पर जाइएगा। और जाने के बाद आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, सिंपल आपको वहाँ पे वेबसाइट पे ही उनका व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर दिख जाएगा, उस व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर पे आपको डायरेक्टली मैसेज करना और लिखना आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर। क्यों मैं कह रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा फिर आगे प्रोसेस करिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद वो पूछेंगे व्हाई यू कैंसिल योर ऑर्डर, तो आप बताइएगा कि आप ये कहिएगा कि बाय मिस्टेक दिस ऑर्डर, ठीक है मैंने इसको मिस्टेक मतलब मुझसे गलती से ये ऑर्डर हो गया है और मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है आई वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर बाय मिस्टेक सो प्लीज़ कैंसिल इट नाउ। तो आपको ये सब बोलना है, बोलने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल 24 आवर्स के अंदर कर देंगे, और उसका जैसे ही वो कैंसिल करेंगे 24 आवर्स और लगेंगे और आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन जब रिफंड आएगा तो आपका कम चार्जेस लगेंगे, कम चार्जेस कटेगा। अगर आप कम ट्रांजेक्शन करेंगे और आपका जब रिफंड आएगा तो आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन मतलब चार्ज लगेंगे। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको फुल्ली वीडियो बना के दे दूँगा स्टेप बाई स्टेप कैसे करना है। और अगर आपको इतना ही समझ में आ गया तो फटाक से आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वेबसाइट पर क्लिक करिए, जाइए ट्रांजेक्शन करिए। आप कोई भी बैलेंस हो, वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर, कोई भी वॉलेट बैलेंस हो, अमेजॉन पे है, यहाँ पे जस्ट मनी हो गया, या फिर आपका मोबीक्विक है, फ्रीचार्ज है, एयरटेल मनी है, पेपाल है, कोई भी वॉलेट बैलेंस हो, यहाँ तक कि आप अपना बजाज वॉलेट को भी जो फिनसर्व बजाज वॉलेट यूज़ करते हैं उसका भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आएँ और आने के बाद आपको जितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना उतना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए प्रोडक्ट। तो मैं मांग के चलता हूँ कि मुझे भाई अभी 1500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड का, इस कार्ड वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक प्रोडक्ट सेलेक्ट रहने देते हैं और चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक कर, जैसे आप चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको यहाँ पे इंटर UPI ID पूछेगा, तो इस UPI ID को डाल दीजिएगा। अगर ये UPI ID नहीं डालेंगे तो आपका रिफंड नहीं आएगा, ये UPI ID डाल दीजिए, इसी में आपको रिफंड मिलेगा। बस इतना करने के बाद चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद जस्ट आपको दो ऑप्शन पूछेगा, कैश ऑन डिलीवरी, एक पूछेगा ऑनलाइन पेमेंट, तो जस्ट ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको पहुँच जाएगा वॉलेट वाले सेक्शन में। जैसे ही वॉलेट वाले सेक्शन में आता है तो मैं अभी आपको यहाँ पर सभी वॉलेट का ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड है, MI कार्ड है, बजाज है, फिनसर्व है, या फिर क्लब है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, कोई भी यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड है, अमेजॉन पे बैलेंस, फोन पे, पेटीएम, बजाज पे, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, एयरटेल पेमेंट बैंक, ओला मनी, पोस्टपेड प्लस वॉलेट, जियो मनी, पेपाल, पेजैप, इस टाइप के सभी ऑप्शन।